बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इंडियन बैंक सिक्योरिटी गार्ड का मैथ का सेशन। मैथ के सेशन में सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन देखना होगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो किस तरह से हम बोर्ड मास का यूज करते हैं आज हम वो देखेंगे। ये गूगल मीट का डेमो क्लास है जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। अगर आपको गूगल मीट क्लास ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के लास्ट में हम उसका डिटेल बताएंगे किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बोर्ड मास में सबसे पहले आपको ये जानना होगा। चलिए सबसे पहले कोई भी मैथ स्टार्ट करने से पहले बोर्ड मास आप लोग को बहुत जरूरी है। बोर्ड मास क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए 2 + 3 × 6 − 1। अगर हम ये लिख दें तो जरा आंसर बताइए तो क्या आएगा आप लोग? नहीं, तो ये जो 19 आया, ठीक है, ये जो 19 आया ये कैसे आया वो भी देखिए। 2 + 3 अगर ये कर दें, 2 + 3 और इसको ब्रैकेट में अगर कर दें तो क्वेश्चन देखिए कैसे चेंज हो जाएगा। अब बताइए क्या आएगा? ट्वेंटी फाइव, ठीक है। अब अंतर आप देख लिए कि एक ब्रैकेट लगने से क्या अंतर हो गया। तो यहीं पे हम लोग का बोर्ड मास जरूरी हो जाता है। तो आइए सबसे पहले बोर्ड मास का तो मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है आखिर ये बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में आपको बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑर्डर, या उसको आप ऑफ भी बोलते हैं, हम लोग अपना देसी भाषा में इसको ऑफ बोलते हैं। उसके बाद आपका डी मतलब होता है डिवीजन, उसके बाद एम मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब होता है एडिशन, उसके बाद एस मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। एकदम बेसिक है। ब्रैकेट भी आपको पता होना चाहिए, ब्रैकेट भी टोटल 3 टाइप का होता है, ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे। ब्रैकेट टोटल कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। कौन कौन होता है आइए वो भी देख लेते हैं। एक आपका ये वाला होता है, एक आपका ये वाला होता है, आज मेरा पेन क्यों नहीं सही से चलता, ठीक है, आज थोड़ा मेरा पेन में गड़बड़ हो गया। एक होता है ये वाला, ये 3 ब्रैकेट होता है, ठीक है। आप लोग को हेलो, हम तो लिंक तो भेज ही दिए है ना ग्रुप में, एक बार आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, हम आपको क्लास का लिंक पहले भेज रहे हैं जल्दी। हेलो, हाँ बोलिए, नमस्कार।
बोलिए। एक मनोज जी, हम क्लास ले रहे हैं, आप हमसे 10 बजे बात कीजिएगा। आवाज आ रहा है ना आप लोग को? एक्चुअली कोई मैसेज कर रहे थे सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्या आवाज नहीं आ रहा है? तो बता दिए 3 ब्रैकेट होता है। अब एक्चुअली क्या है कि आपको इसका यूज सिर्फ जानना है, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है कि इसका यूज कैसे कैसे होता है। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल एक दो दे देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अगर हम आपसे बोले, जो अभी क्लास ज्वाइन किए हैं उनको बताते हैं कि बॉड मास हम पढ़ा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, उसमें बॉड मास का मतलब बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ होता है, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्सट्रैक्शन। ये बताता है ऑर्डर को कि किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आप ब्रैकेट का वर्क करेंगे, फिर ऑफ का वर्क करेंगे, फिर डिवीजन का वर्क करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का वर्क करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, आते हैं कुछ क्वेश्चन पे, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर कैसे करना। हमको ये बताइए, 3 प्लस 2 लिखा हुआ है, इसको ब्रैकेट दे, 2 प्लस, फिर 4 प्लस 2 गुना, फिर 4 प्लस 5, फिर इसका ब्रैकेट बंद, फिर इसका ब्रैकेट बंद और फिर बड़ा इस लास्ट वाला का ब्रैकेट बंद। अभी जरा आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर बताइए। T7 सब लोग बताइए फटाफट। T27 सबका आ गया, 27। चलिए, जिनका 27 आया है वो हमको बता दीजिए। एक चीज बताइए, जिनका जिनका 27 आया, सबसे पहले आप क्या काम किए? ठीक है। कोई ऐसे भी हैं जिनका 27 नहीं आया था? चलिए आगे होगा, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं, उसमें परसेंटेज भी मिक्स होगा, उसमें ऑफ भी रहेगा, प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा। ठीक है, चलिए। तो बताइए, स्टार्ट स्टार्ट कीजिए आप लोग, उसके बाद हम बनाएंगे। और माइक ऑफ कर लीजिएगा, किनका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है ऑफ कर लीजिएगा। फटाफट बताइएगा।
एक नंबर 35। फटाफट बताइए सब लोग, इसमें क्या होगा इसका आंसर? थर्टी 35। ठीक है, हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, हम बस आपको समय दे रहे हैं, हम हरबरी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम सबको मौका दे रहे हैं। बिल्कुल, हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, निश्चिंत रहिए उसके लिए। हमको देखना है कि आखिर आखिर प्रॉब्लम आप लोग को कहाँ पे है। चलिए अब देखिए इजीली कैसे बनाते हैं। एग्जाम में कैसे इसको डील करना है वो सब देखते हैं। देखिए 36% है एज अ बोर्ड मास, नहीं फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं। अभी बोर्ड मास में हम क्या बताए थे, बोर्ड मास में बताए थे कि सबसे पहले होता है ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट नहीं, सेकंड में क्या होता है ऑफ का काम, यहाँ पे ऑफ है। तो सबसे पहले क्या होगा, 36% को बटा 100 लिखते हैं, 36% को बटा 100 लिखते हैं। उसके बाद ऑफ है तो गुना लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, 150। ठीक है, 150 प्लस 64 माइनस 83। तो यहाँ बस देखने लायक यही बात था कि पहले आपका ऑफ का वर्क होगा। अब उसके बाद सॉल्व कीजिए। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या, उसके बाद डिवीजन का वर्क होगा, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये आपका 54 हो गया प्लस ये आपका 64 रहेगा माइनस 83। ठीक है, आप यहाँ से इसको 36 गुना 15 डायरेक्ट हम कर दिए, आप लोग के लिए फिर से कर देते हैं, हम तो कर दिए डायरेक्ट। देखिए 6 5 30, 5 3 15, 18, 6 और 3, माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, और ये लास्ट वाला एक जीरो और था, तो नीचे आपका 2 0 ये कट गया, तो बचा 54। 54 ये इसका कैलकुलेशन, 64 माइनस। अब फिर बोर्ड मास हमको क्या बताता है, बोर्ड मास हमको बताता है कि अब किसका यूज होगा। यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं, देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले बोर्ड मास में एम के बाद क्या होता है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन, पहले हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने वाला को पहले जोड़ दीजिए, जब इसको हम जोड़े तो क्या आया, इसको जोड़े, इसको जोड़िए 64 में, और उसके बाद घटा दीजिए। आंसर क्या हो गया, 35। कोई दिक्कत, माइक ऑफ कर लीजिए, कोई किसी को दिक्कत? चलिए सेकंड सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये, सेकंड नंबर का आंसर फटफट लाइए सब लोग, 240। ठीक है, सब लोग लाइए, 180। ठीक है, और लाइए सब लोग, 100 यही क्वेश्चन है, वाट के जगह पे एक्स लिख दिए। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास क्या बताता है कि पहले आपको एडिशन का काम करना है, फिर सब्सट्रैक्शन का काम करना है। तो एडिशन, इसको ये प्लस में है, तो एडिशन वाले को एक साथ कर दीजिए, एडिशन वाले को एक साथ कर दीजिए। तो एडिशन को आप एक साथ करेंगे तो आपका ये दोनों को जोड़ दीजिए एडिशन वाले को, तो 1231 में अगर 189 जोड़ते हैं, 1231 में 189 जोड़ दीजिए, तो 1289 में 189 जोड़ेंगे तो क्या आएगा,
1420 आता है, आप लोग जोड़ के देखिए, 1420 माइनस 768 प्लस एक्स है बराबर 892, यही है। अब आप क्या करेंगे, घटाएंगे, इसको घटाइए, ये कितना आ जाएगा बताइए फटाफट करके सब लोग, 180 आएगा या 240 आएगा, हमको ये देखना है। 180 आएगा, ठीक है, देखते हैं, इसको घटाइए, 768, 8 10 में से 8 गया 2, 6 5 11, ये 7 7 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 652। अब ये 652 में आपका घटेगा, ये 652 इधर घटेगा तो क्या बचेगा, 0 5 4 9, और ये बचा 240, तो 180 आया या 240 आया। तो कोई दिक्कत किसी को, बस बोर्ड मास पे फोकस करना है कि पहले कौन काम करना है, बोर्ड मास वही बताता है, उसका यूज बस इतना ही है। ठीक है, चलिए अब एक ब्रैकेट का क्वेश्चन हम देते हैं। 45 डिवीजन 3 का स्क्वायर इनटू 1, इसका जरा आंसर बताइए आप। फाइव, तो बोर्ड मास हमको, सब लोग बताइए क्या होगा आंसर। फाइव हमको बोर्ड मास बताता है कि भाई सबसे पहले ब्रैकेट का काम करो, तो ब्रैकेट के अंदर काम कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 1 बराबर 9, और यहाँ पे उसका डिवीजन है 45, ये क्या हो गया, 5। कोई दिक्कत किसी को, बताइए किसी को कोई दिक्कत। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर अगर ब्रैकेट रहा तो उसमें आप लोग को पहले उसी का काम करना। एक क्वेश्चन और बताइए आप लोग, 3 का स्क्वायर गुना 2, ठीक है, उसके बाद डिवीजन यहाँ दे देते हैं 3। अब जरा बताइए आप लोग, थर्टी सिक्स टेन, चलिए देखिए ध्यान से, 3 का स्क्वायर है, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 2, ये ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, उसके बाद डिवीजन 3 है, तो ये 18 डिवीजन 3, ये कितना हो गया, 6। अब 42 माइनस 6 कितना होगा, सबसे पहले ब्रैकेट की ये काम, उसके बाद डिवीजन का काम कर लिए, उसके बाद सबस्ट्रैक्शन का काम कर लिए, बोर्ड मास वही बताता है ना। कोई दिक्कत किसी को, चलिए समझ में आ रहा है सबको बढ़िया से। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पे, क्योंकि एग्जाम में आपको सब कुछ मिक्स करके मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। फर्स्ट वाला 51, ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए।
मेक श्योर आप लोग कीजिएगा बोलने के टाइम में ही माइक ऑन रहे, नहीं तो सब लोग को डिस्टर्ब होगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट वाले को पहले। 150% है तो आपको सिर्फ समझाने के लिए हम ये सब लिख रहे हैं, लेकिन लिखने का जरूरत नहीं। ऑफ 212 माइनस 75% को, अगर आपको 75% का वैल्यू पता होता तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट ये अभी अभी समझाने के लिए लिखते रहे। आप 212 को 15 से गुना कर लीजिए, 5 दूना 10, 6 5 दूना 10, 2 1 2, 0 6 2 8, 1 2 1 3, क्या आएगा 318। तो ये आ गया 318 माइनस 75 इंटू 356 कर लीजिए, ये भी लास्ट में 0 आ जाएगा, और ये 7 आ गया और ये 2 आ जाएगा, नहीं 7 4 2 6, और उसके बाद 2 1 1 2, 2 6 7, इसको घटाएं 51 आए। चलिए सेकंड नंबर बताइए। ठीक है देखते हैं, बारह गुना 42 माइनस 7 गुना 45 माइनस एक्स बराबर 13। सबसे पहले किसका काम होगा? अकॉर्डिंग टू बॉड मास, तो बॉड मास हम लोग को क्या बताता है कि सबसे पहले आप कीजिए, यहाँ पे हम हर बार लिख देते हैं, आप लोग को इतना एकदम याद हो जाए। सबसे पहले क्या होता है? डिवीजन का नहीं है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का काम होगा। तो गुना कीजिए, 12 दूना 24, 42 और 10 504, ये हो गया माइनस। फिर इस दोनों को गुना कीजिए, 7 5 35 और 29 31 31, 315 माइनस एक्स बराबर 30। अब क्या बताता है? आपको सिर्फ डिवीजन करना है, डिवीजन कीजिए, कितना आ गया आपका डिवीजन? ये आपका हो गया 504। अब देखिए क्या यहाँ पे आप दो तरीका से भी कर सकते हैं, 315 है ना, 300 माइनस 315 को इधर लेके चले जाइए तो प्लस 315 इधर हो जाएगा। ठीक है, ये 504 माइनस एक्स बराबर 13 प्लस 315, तो ये आपका हो गया कितना 328। तो अब सीधे एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 504 और माइनस 328, ये आपका क्या हो गया 6 7 और 1 176। क्लियर है? चलिए तो चलिए एक क्वेश्चन मेरा, 36 डिवीजन बड़ी ब्रैकेट 2 का क्यूब माइनस 15 माइनस 13 फिर ब्रैकेट बंद, बताइए आंसर। सिक्स, ओके चेक करते हैं। चलिए ये 15 में से 13 गया सबसे, ये ब्रैकेट, तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 माइनस 2 कितना हो गया
सिक्स, उसके बाद इधर बचा क्या, 36 डिवीजन 6 यानी कि 6। चलिए बताइए, फोर्टी थ्री, ठीक है देखते हैं। 108 माइनस 81 प्लस 16, यही तो करना है। तो पहले क्या होता है, एडिशन होता है, तो 16 और 108 को पहले जोड़ लीजिए, 124 में 81 घटा लीजिए, 43। चलिए सेकंड वाला बताइए, सेकेंड वाला 13 देखते हैं। 55 इंटू 5 माइनस 53 इंटू 2। तो आपको पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये दोनों को गुना कर दीजिए। ये दोनों को गुना किए तो 55 गुना 5 2 7 5 होता है, माइनस ये दोनों को गुना करेंगे 106 हो गया, रूट ओवर। अब इसको दोनों को घटाइएगा क्या होगा, 106 को घटाइएगा, 9 6 15, ठीक है 6, तो किसका रूट होता है 169, 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे ज्यादा आप लोग का लेवल नहीं है, काफी है ये सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है फटाफट बताइए सब लोग, ओके चलिए देखिए ये क्या है, 40, 40 प्लस 23 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4 बराबर एक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास क्या आपको बताया गया कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये 8 24 और 16 17 18, ये 6 चौका 24, यही है। अब क्या है 40, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होता है, एडिशन का काम। 40 प्लस 184 करके और माइनस 24 करना है आपको, यहाँ 40 जोड़ेंगे 4, 224 में 24 करेंगे तो ये क्या बचेगा 200। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 352 डिवीजन, ठीक है वेरी गुड, 352 बटा 16 प्लस 120 बटा 100 गुना 80 माइनस 46, यही। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास क्या हम लोग को बताया गया कि सबसे पहले आपको ऑफ का काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे हम लोग, तो ऑफ मतलब इसका काम करना है, उसके पहले आपका डिवीजन भी आप करना पड़ेगा। ये कटेगा 16 दूना 32 और 16 दूना 32 22 बार में, उसके बाद 10 से 10 10 से 10 12 8 96 यानी 22 प्लस 96 माइनस 46 ये आपका हो गया 72। नेक्स्ट बनाइए इसको फटाफट, हाँ बोलिए सुदीप जी, नमस्कार। हाँ आरबीआई का,
अभी अभी हो जाने दीजिए ज्वाइनिंग, तो बताएंगे। माइक माइक ऑफ कर लीजिएगा, माइक माइक ऑफ कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। 9 नंबर देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट किए हैं, हल्का सा। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास तो यही करना है। ठीक है, देखते हैं। प्लस 3/10 ऑफ है, पहले ऑफ का काम करेंगे। तो ये आपका 1 0 तो कट गया। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, हाँ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और एडिंग है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये 35 गुना 3, ये क्या होता है, 35 गुना 3, ये आ गया 105। प्लस ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़े तो आपका आ गया 5 5 10, 8 5 13 14, 2 1 3 1 4 340। में से आपको सॉरी घटाना था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ठीक है, ये माइनस है, ये आपका कितना हो गया, 235। देखिए 10 नंबर देखते हैं। अब इसका बनाने का दो तरीका है, अब ये ध्यान से देखिएगा आप लोग। या तो आप क्या करेंगे, 3 2 5/3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5/3 प्लस 5 6 20, 21/5 प्लस माइनस उसका 3 2 6 7/2, इसको करके एलसीएम लेके आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे अच्छा एक और तरीका हम आपको बता देते हैं, जो याद रखिएगा। ये 1 4 3 को अलग कर दीजिए, 1 + 4 और -3 को अलग कर दीजिए, और बटा वाला को अलग कर दीजिए। प्लस, मेरी आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है, तब से हम बोलते ही जा रहे थे, पता नहीं चला आप लोग को। अच्छा, तो ऐसा लगे तो एक और बता दीजिएगा, कि मेरा पेन चलेगा तो मुंह भी चलेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो 10 नंबर में बता रहे थे, इसको दो तरीका है बनाने का। पहला तरीका है तो आप इस तरह से तोड़ के बना सकते हैं, लेकिन हम दूसरा तरीका आप लोग को बता रहे हैं, जो कि एग्जाम में आसान होगा। ये 1 4 और 3 को अलग लिख दीजिए, 1 + 4 - 3, उसको आप प्लस कर दीजिए, 2/3, 1/5, 1/2 को अलग कर दीजिए, 2/3 प्लस 1/5 - 1/2, इसका दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन कर दीजिए। 1 प्लस, अब देखिए +1 + 4 और -3, ये 2 हो गया। प्लस इसको हम अगर करते हैं तो नीचे एलसीएम आपका 30 हो गया। एलसीएम निकालना किनको किनको नहीं पता, ये बताइए एलसीएम किन से नहीं निकलता। हाँ ठीक है, एक बार नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे, क्योंकि एलसीएम देखिए कोई बड़ा चीज तो है नहीं कि बार बार इसको बताया जाए। अगर आपसे बोले 3 5 और 2 का एलसीएम निकालना, तो एक ट्रेडिशनल तरीका है कि 3 5
2 का इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अब इसमें कोई कटने वाला तो है नहीं, तो सबको गुना करते हैं, 5 दुना 10 और 30, तो इसका एलसीएम 30 हो गया। लेकिन 16 है और आपका 12 है, इसका अगर एलसीएम बोले तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, 16 और 12 दो बार में, आपका 8 और 6 दो बार में, 4 और 3 उसके बाद गुना कर दीजिए। लेकिन एक तरीका और है, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं तो आप यही कीजिएगा, ठीक है। ज्यादा आपको कंफ्यूज हम नहीं करना चाहते। एक तरीका और है, अगर 16 12 को आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो कॉमन फैक्टर ले लीजिए। कॉमन फैक्टर का मतलब जो सबसे कम वाला एलसीएम जिसका निकालना है उसका आप पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए अब यहाँ 16 12 का कितना, 4 3 12, 12 2 24 ये 48 आ गया एलसीएम। अब इसका देखिए 12 ऐसा आपको इस तरह से करना है, 12 गुना 1, 12 गुना 2, 12 गुना 3, 12 ये मन में आपको बोलना है, और जो भी संख्या आएगा ऐसा संख्या आ जाए जो दोनों से कट जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। 12 से 16 कटेगा, बोलिए, 24 से 16 कटेगा, एक एक नहीं, 4 से नहीं काटना, हम क्या बोले आपको, मिनिमम संख्या का पहाड़ा पढ़िएगा और उसका जो टेबल में ऐसा कोई संख्या आता है जो दोनों से कट जाएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। 12 छोटा वाला है, 12 का एलसीएम पढ़ दिए, 12 का पहाड़ा पढ़ दिए, तो 24 कटेगा 16 से, 36 कटेगा 16 से, 36 कटेगा, 48 कटेगा, तो आपका एलसीएम हो गया 48। चलिए एक और हम पूछ रहे हैं, 24 और 12 और 24 का आप लोग एलसीएम निकालिए, तो 12 24 का इसी तरीका से, ये तरीका से 12 24, क्योंकि 12 गुना 1 नहीं कटा, 12 गुना 2 कट गया, ये 24 हो गया। अब एक और बताइए आप लोग, 15 25 और 30 का एलसीएम बताइए इसी तरीका से। सबसे कम वाला है 15, 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15 गुना 2, 30 से 25 नहीं कटेगा, 15 गुना 3, 45 से 25 नहीं कटेगा, 15 गुना 4, 60 से भी नहीं कटेगा, 15 गुना 8 से भी नहीं, 15 गुना 9 से भी नहीं, 15 गुना 10, ठीक है, यानी 150। तो इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस पे कमांड हो जाएगा, और हम जब जब क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस कराएंगे, नहीं तो ये वाला तो सबको आता ही है, ठीक है। तुम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप बस इस पे फोकस रखिएगा, कुछ नहीं आया तो ये तो कर ही लीजिएगा, अगर ये याद है तो पेन भी चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें इतना पावर है। चलिए तो इसका 3 5 2 का एलसीएम 30 हो गया, आप 30 को दो बार में कटते हैं तो ये आपका 10 और 10 गुना 2 20, 20 प्लस ये आपका 6 माइनस 15, ये आपका कितना हो गया, इधर 2 प्लस 11/30, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 पूर्णांक 11/30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए फटाफट बनाइए। चलिए देखते हैं, वही है, पहले एडिंग करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और -36, यही करना है। तो आपका 6 4 10, 6 1 7 1 8 में 36 घटाएंगे, 10 में 6 गया 4 7, 44। चलिए 12 नंबर का 12 अच्छा निकल गया। चलिए 78%। एक चीज और आप लोगों को बताते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप ही बताइए, 78% लिखा हुआ है ऑफ टूल्स, ये तो आप जानते ही हैं कि हम बाद में हम इसको 78/100 लिखेंगे और ऑफ को गुना लिख के 200 लिखेंगे, ये तो आपको पता है ना, यही करेंगे। तो आप क्या डायरेक्ट परसेंटेज को 00 से नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं कि नहीं, तो फिर उतना लिखने का जरूरत है नहीं है,
पेन भी बचा, दिमाग भी बचा, समय भी बचा। तो अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 78 गुना 2, काम खत्म। आखिर तो करते तो वही थे, 8 दूना 16, 7 दून 14, 156 माइनस 16 गुना 9 कितना होता है, 144। तो माइनस रूट ओवर 144, तो इसको 12 लिख सकते हैं, यानी कि आप 156 माइनस 12 बराबर क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर है याद रखिएगा, एक्स एक्स का 156 माइनस 12 क्या आता है, 144, और एक्स स्क्वायर बराबर 144, तो एक्स बराबर क्या आएगा, रूट ओवर 144, यानी कि आपका 12। सबको कोई दिक्कत, किसी को कोई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सिक्सटी एट तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है देखते हैं। चलिए 22 × 8 -15 × 7 बराबर एक्स बटा 3 भी लिख सकते हैं भाग डिवीजन को। तो अकॉर्डिंग टू बोडोमास क्या बताता है कि भाई सबसे पहले तो आपको डिवीजन करना है, डिवीजन नहीं कर सकते तो फिर हम मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ये दोनों को गुना तो कर ही सकते हैं हम, तो आइए गुना करते हैं। ये हो गया 176, ये हो गया आपका 105 बराबर हो गया 1/3। अब ये घटा भी सकते हैं हम, ये हो गया 71 और 71 बराबर 1/3, तो x बराबर क्या होगा, 71 × 3। तो आप डायरेक्ट यहाँ से गुना भी कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए हम ये किए। कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसको बनाइए। वन जीरो फोर ठीक है देखते हैं। ओके देखते हैं, चलिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले आपको डिवीजन करना हो तो ये डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले डिवीजन किया तो ये 5 से करेंगे, 9 × 5 = 45 और आपका 9 × 6 = 30, 96 हो गया। तो 88, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 56 × 2 112 होता है, माइनस 96 बराबर x, दोनों प्लस कर देंगे, 112, 8 2 10, 8 1 9 1 10, ये आपका हो जाएगा 200। 200 में 96 घटाएंगे, बचेगा क्या, 104। किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है देखते हैं,
16 इंटू 8 बटा 32 प्लस एक्स बराबर 84। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले हमको डिवीजन करना होगा, तो आप यहाँ से भी काट सकते हैं 2, यहाँ से भी काट सकते हैं 4। तो 4 प्लस एक्स बराबर 84, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या होगा, 84 माइनस 4 यानी कि 8 और 0। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो ये आप लोग का सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। इस पे आपको प्रैक्टिस करते रहना, हम आपको पीडीएफ देते रहेंगे, आप इस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम आगे चैप्टर बढ़ते रहेंगे। कल हम लोग क्लास करेंगे, रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे क्लास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक से 7 से आप लोग का 9 क्लास होगा, इस वीक तक 8 से 9, क्योंकि एक बैच 7 से 8 है वो खत्म हो जाएगा मेरा इस वीक में, वो ESIC का है, तो वो जब खत्म हो जाएगा तो उसके टाइम में आप लोग को 7 से 9 कर देंगे। इस वीक तक सिर्फ 8 से 9 करेंगे और उसके बाद 7 से 9 अगले वीक से कर देंगे। और जो भी डेमो क्लास देख रहे थे आज, तो अगर उनको पेमेंट करना है तो इस नंबर पे पेमेंट करेंगे। और एक बात और हम बोल देते हैं, जो भी पेमेंट कर, जिनको भी पेड ग्रुप का लिंक जाता है वो दूसरे से शेयर नहीं करेंगे। कुछ लोग शेयर कर दिए थे, कुछ लोग बाहरी लोग भी ऐड हो गए हैं, तो इसलिए आपसे बस हाथ जोड़ के निवेदन है कि इतना कर लीजिएगा, जिनका जिनका पेमेंट हो गया है वो पेड वाले टेलीग्राम ग्रुप में अपना अपना स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, जिससे हमको आसानी होगा देखने में कि किनका पेमेंट आया था। तो पेड वाला टेलीग्राम ग्रुप में अपना अपना स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, तो बड़ा मेहरबानी होगा मेरे पे। और जिनको पेमेंट करना इस नंबर पे, फोन पे, गूगल पे सब है। और बैंकिंग का 2 क्लास हुआ है, दोनों यूट्यूब पे है, तो किसी का छूटेगा नहीं, दोनों का रिकॉर्डिंग आप जाके देख सकते हैं। मैथ का आज पहला क्लास है, इसलिए आज हम यूट्यूब पे वो वीडियो डाल दिए थे। मैथ का पहला क्लास है, कल रीजनिंग का पहला क्लास है, तो कोशिश कीजिएगा मुश्किल से ही क्लास छूटे और हम आप लोग का अभी ही क्लास का